सॉलिटियर एजुकेशनल एकेडमी के प्राचार्य चंद्रकांत पाठक ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। बैठक में प्राचार्य चंद्रकांत पाठक ने छात्रों की उपस्थिति में अभिभावकों से छात्रों के घर की पढ़ाई व अन्य क्रियाकलापों के बारे में जानकारी लेते हुए छात्रों के शिक्षण कार्य से अभिभावकों को अवगत कराया। साथ ही छात्रों के शैक्षणिक विकास को लेकर कई विषयों पर अभिभावकों से चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावक अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल के अलावा घर में 5 से 6 घंटे पढ़ाई में लगाएं, जिससे छात्रों के बीच बेहतर शैक्षणिक अभ्यास के साथ आगामी मैट्रिक की परीक्षा में छात्र अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों, वर्ग 10वीं में अध्ययन कार्य में अधिक समय छात्र को देने के लिए प्रोत्साहित कर उनके भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने की बात कही। विद्यालय के प्राचार्य चंद्रकांत पाठक, उप प्राचार्य LTN सहदेव मौजूद थे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। आज हमने विद्यालय में क्लास 10th के बच्चों के साथ PTM किया। PTM का महत्व था कि बच्चे और पेरेंट्स और हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन हो एस्टेब्लिश हो सके और बच्चे की जो छोटी मोटी कमियां हों उसे मिलजुल कर हम अभिभावकों के साथ दूर कर सकें, उनकी परेशानियों को समझ सकें, उनके साइकोलॉजी को समझ सकें और जितनी जल्दी हो सके उन परेशानियों को दूर करके इनके मैट्रिक रिजल्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाया जा सके ताकि इनका मैट्रिक रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आए। थैंक यू।